शारदीय नवरात्रा चल रहे हैं, बीरात्रा माता धाम में इस वक्त मैं हूँ। भैर सिंह जी ढोक भोपा जी पूर्व अध्यक्ष है ट्रस्ट के और वर्तमान में सेक्रेटरी है। आज मैं उनकी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर हूँ। मंदिर और माता जी के पर्चों को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा माता जी के मंदिर के पर्चों के बारे में बताइए लोगों को। विश्व विख्यात शक्तिपीठ बीरात्रा धाम जो कि आज से 2100 साल वर्ष पुराना है, वीर केदार जी उज्जैन के राजा थे, वो क्या पूरे संसार पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। एक बार उनका उन्हों के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने जो शक्तिपीठ इंग्लैंड धाम पाकिस्तान उनसे मन्नत मांगी कि माँ मेरी युद्ध में विजय होगी तो मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। युद्ध में विजय होगी विक्रमादित्य जी वहाँ गए, इंग्लैंड धाम माँ से प्रार्थना की, हे माँ आप मुझे आप चलो मैं वहाँ पूजा करूँगा आपके उज्जैन। तो वांकल माँ ने कहा मैं तो नहीं चलूँगी, मेरी एक प्रतिमा आपको दूंगा वांकल नाम से, आप वहाँ पीछे भी मुड़ोगे तो मैं आगे नहीं चलूँ। राजा महाराज तो क्या पहाड़ की चोटियों पर टील बरुकते थे, तो उन्होंने रात्रि विश्वास एक तो अपने बिजरायर में किया था गोरणा, दूसरा नाइट रोल अपने यहाँ गढ़ मंदिर में जो डेयरी थान का मंदिर बोलते हैं पुराने हिसाब से। तो सुबह क्या पूजा करके दिशा भ्रमित हो गई महाराजा, तो पश्चिम देख आवाज़ हुई कि मैं आगे तो नहीं चलूँगी, तेरा नाम अमर है वीर प्लस रात जी कुल टू बीरात्रा नाम पड़ा। पहले तो लोगों के पास साधन थे नहीं, लोगों ने प्रार्थना की, कई साल लोग घायल भी हुए, जानवर भी काफ़ी थे, तो प्रार्थना कर माता जी की ओरिजिनल मूर्ति और पहाड़ की चट्टान नीचे आए जो अभी भी मौजूद है। तो पहाड़ की चट्टान बड़ी बड़ी थी, आज से पहले हमारे सोए के साहब गोहनिया से हमारे परिवार से मोहन सिंह जी थे, उन्होंने रात को माता जी से प्रार्थना करे कैंकू से लकीर खींची तो अगला वाला पर्सन ऑटोमेटिक अलग हो गया। तो अभी ये चौथी बार जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर का। हाँ चौथी बार हुआ है, तो पहले थे छोटे कमरे और खुबरे रूप में था। तो पहले 97 में हमने सौदा भी कर दिया था इस मंदिर का, तो माता जी ने कहा मूल मेरा स्थान वो बनाओ ऊपर वाला जो पुराना। हाँ पुराना था, तो 1999 में प्रतिष्ठा हुई उसकी और 2001 को हमने ये शुरू कहा। 9 साल काम चला, मतलब 27 फरवरी में प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा के माता जी इतनी मुहूर्त में हुई कि हजारों लाखों में लोग श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्त माता जी से मन्नत मांगता है उसकी माता कहा जी पूरी मनोकामना पूर्ति। अभी शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हुआ, 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें करीबन 12 मंदिर ट्रस्ट के 12 मंदिरों में ये कार्यक्रम चल रहा है। ट्रस्ट के 12 मंदिर मुख्य मंदिर यहाँ तो छंडी यज्ञ है, बाकी जगह नवचंडी यज्ञ। यहाँ पंडित धीरे भाई शास्त्री जो गुजरात से आए 16 पंडितों की टीम के साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी आज चौथा दिन है और 10 तारीख को होमाष्टमी शुरू होगी और 11 को पूर्णाहुति होगी। उसमें ट्रस्ट की ओर से प्रसाद आवास और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी और काफ़ी मेलार्थी आ रहे हैं हमारी तरफ से, ट्रस्ट के पूरी उनको सुविधाएँ दी जा रही है। जो भी भक्त आता है खुश होकर ही जाता है, कई पैदल संघ आ रहे हैं जो रामदेव है उससे भी ज़्यादा यहाँ बढ़ रहे हैं और हमारे ट्रस्ट की तरफ से पूरी यात्री की सुविधा दी जा रही है। क्या आह्वान है भक्त जो आ रहे हैं साफ सफाई को लेकर या और व्यवस्थाओं को लेकर के भक्तों से क्या अपील है? भक्तों से हमारा यही निवेदन है कि थोड़ा साफ सफाई का ध्यान मैनी हो कि हमारे यहाँ पाबंदी लगा रखी है, कचरा पात्री हमने जगह जगह लगा रखे है उसमें ये डाले है और प्रसाद की ट्रस्ट की तौर से दुकानें खोली रखी है जो भी नो प्रॉफिट रोल से चल रही है। प्रसादी की तरफ से हमारी 12 महीना भोजनशाला चरण वो ही 40 रुपया रेट मिनिमम, उसमें हम मीठी प्रसाद 2 सब्जी चपाती चावल सब देते हैं सर। ये ट्रस्ट की ओर से की हुई, ट्रस्ट की ओर से की हुई है। अष्टमी और नवमी को ट्रस्ट की ओर से फ्री आवास के भोजन की व्यवस्था रहेगी 2 दिन मेले के रूप में। बड़े बड़े मेले कब भरते हैं? खास मेले माघ और भादवा और चैत्र, विशेषकर भादवा और माघ में तो क्या है कि नवयावी जोड़े जो पहली शादी या बच्चा होने पर 12 मंदिर की परिक्रमा कर रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं और सुबह यहाँ से पधारते हैं। बड़ी संख्या में अभी लोग आ रहे थे नवरात्रों में, बड़ी भीड़ लग रही है। नवरात्र में भी आप समझ लो कि डेली 50,000 लाख के बीच में आते हैं। अभी जो मेला खत्म हुआ है आपके माघ क्या भादवा, भादवा में तो आप देखोगे 13-14 पुनी 5 लाख से ज़्यादा आदमी आए थे 3 दिन में ऐसा, और प्रशासन भी पूरी हमारी मुस्तैदी में लगा। अभी भी 8 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल यहाँ लगे हुए हैं और अष्टमी के लिए हमने एसपी साहब को लेटर भी लिखा है कि पूरी व्यवस्था करेंगे इस मामले में। मेले की तरफ में ज़्यादा मेला जैसा माहौल रहेगा अष्टमी और नवमी को। अपने यहाँ को छोड़कर गुजरात महाराष्ट्र कौन कौन से राज्यों से लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश राजस्थान तो पूरा है ही था, कभी नंदवाणा समाज यहाँ से 800 वो पूरे अमेरिका में गए, वो भी अपनी यात्रा के लिए उनकी कुलदेव समाज नंदवाणा ब्राह्मण ब्राह्मण हाँ ब्राह्मण है। तो 800 साल पहले यहाँ जूना बीरात्रा में रहते थे,
अब वो पूरे भारतवर्ष में और विदेश में भी उनका व्यापार चल रहा है, तो उनको भी पहली शादी और पहला बच्चा होने पर यहाँ झाड़ू ले लिए आना पड़ता है उनके पूरे परिवार। हाँ, पूरे जो पूरे भारत कहीं भी बैठे उनको आना पड़ता है पहली शादी और पहले बच्चे के लिए यात्रा के लिए माता जी के यहाँ। अगर अमेरिका में है तो भी आएगा बिल्कुल अपना बच्चा झाड़ू, मतलब श्रद्धा श्रद्धा उनकी। सर अभी भी राम सिंह बोरा MP है, पहले थे वो जुड़े हुए, इनको हमने धर्मशाला के लिए जमीन भी अलॉटमेंट कर रखी नंदवाना समाज के लिए, अलग से उनको दे रखी है। अभी लोग तो काफी आ रहे हैं, बढ़िया है, ट्रस्ट की स्थिति ठीक है, वृक्षारोपण, साफ सफाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी लोगों के जो है नए नए अलग अलग मंदिर बन गए, जगह जगह अलग अलग हो गए, तो इससे भक्त जुड़े हैं कम हुए हैं ना? कोई कम नहीं, हालांकि हर गांव में जो माता जी के मंदिर लोगों ने बनाए हैं कोई कम नहीं। मैं नाश्ता तो उनकी वीरात्रा धाम से, हालांकि वीरात्रा कॉपी का भी लोगों ने बनाया है, फोटो लेके कई तैयार की है, मूल स्थान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा यात्रियों की संख्या में, तो श्रद्धा भावना में कोई फर्क नहीं पड़ा, भले गाँव में बड़े हो मंदिर। तो वीरात्रा धाम माता के ट्रस्टी है, सेक्रेटरी है और भैर सिंह जी डॉक, ये भोपा परिवार है, शुरू से माता की आराधना करने वाला ये परिवार है। आपको बता देंगे 70 सिंह जी ढोंक, जिनको भारतीय सेना की मदद करने के लिए शौर्य चक्र मिला 1971 के युद्ध में। ये परिवार शौर्य, पराक्रम, बलिदान, और ये मूल रूप से भोपा है माता जी के, इनको पहले ही पता चलता था क्या है, इसलिए भारतीय सेना की बड़ी मदद की 70 सिंह जी ने उस समय, भोपा जी के रूप में प्रसिद्ध थे, और वो सुगंध देख करके बता देते थे कि आज शाम को यहाँ बम गिरने वाला। तो इस परिवार का भी बड़ा जो है इस क्षेत्र के अंदर थे, रियल मेरे चतुर सिंह जी। हाँ, कुदर में वो सरपंच थे यहाँ ढोक पंचायत के, उस समय यहाँ सेकंड ग्रेनेड आर्मी ठहरी हुई थी 24 ऊंटों के साथ, वो 3 दिसंबर को ही रवाना हो गए थे रामसर होके। हाँ, तो 5-6 महीना साथ में रहे, बाकी बड़े लोग तो वापिस आ गए, चतुर सिंह वही रही आर्मी के साथ, और माता जी की इतनी कृपा हुई उन पर, इनके पास में भी बम गिरा, कुछ नहीं हुआ, ऊंट के नयन का हमको बड़ी चिंता हुई क्यों ने वहां रोए, और माता जी कृपा हुई कि उनके ऊपर को बाल मांका नहीं, उनको विश्वास था माता जी पर। और 1972 में इनकी वीरता को देख राष्ट्रपति माननीय वीवी गिरी जी ने इनको सम्मानित किया शौर्य चक्र से। तो ये तो बड़ा जो है माता की कृपा पूरी पूरी हमारे क्या भेड़ जी के परिवार पांचों गांव में, डो, गौनिया, सुनाऊ, परो और जसाई। ये कौन से परिवार कहलाते हैं? भेड़ जी का परिवार। भोपा तो क्या, माता जी की पूजा से भोपा की उपाधि मिली है, हे परमार मन से हम राजपूत, माता जी की पूजा से हमें भोपा की उपाधि दी है, उपाधि दी है माता जी पूजा करने से, आपका परमार मन से है, पांचों गाँव में बसे हुए ये पुजारी हमारे परिवार से भी है, मैन मंदिर भी मंदिर पूजा शुरू से। भेड़ जी को हमारे दादाजी को 1540 में माता जी पाली से लाई थी बालक के रूप में, उन्हीं की 18 पीढ़ी हुई है, मैं आजकल हूँ वही परिवार कर रहा हमारा भेड़ जी। हाँ, हमारा परिवार ही पुजारी है, पूजा कर रहा, पुजारी के हिसाब से माता जी ने हमें भोपा की उपाधि दी। हाँ, इसलिए भोपा कहलाते हैं राजपूत परिवार, परमार परिवार से। बोलिए विधात्रा मात की जय।